नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। बिहार में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। बिहार के कई जिले जल प्रलय का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जलमाल की क्षति भी खूब हुई है, जिसके बाद जनता मदद के लिए सरकार की ओर देख रही है, लेकिन सरकार की से और से अभी तक बाढ़ राहत कार्य के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। डबल इंजन की सरकार बस पीएम सीएम खेलने में लगे हैं, अधिकार व ठेकेदार लूटने में लगे हैं। ये कहना है जन अधिकार युवा परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर का। राजू दानवीर ने साथ ही सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए 6 माह का राशन, पशुओं के लिए चारा और 10,000 रुपये नगद हर परिवार को देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ हर साल सरकार की लापरवाही और अधिकारियों व ठेकेदारों की लूट की वजह से आती है। राजू दानवीर ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बाढ़ से सूबे की जनता त्रस्त है, डबल इंजन सरकार सीएम पीएम करने में मस्त है। सबसे बड़ी बात कि बिहार के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है, वहाँ बाढ़ पीड़ित तक कोई अधिकारी ढंग से पहुँच नहीं रहा है, कोई सरकारी सुविधा पहुँच नहीं रहा है। आदरणीय पप्पू यादव जी होते तो बाढ़ पीड़ित के घर पर जाकर, चाहे जितना पानी में जाना पड़े उसके घर तक जाके मदद करते। तो सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करेंगे कि जितने भी बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उन सभी को 6 महीने का राशन और 10,000 रुपया नगद तत्काल दिया जाए, और जितने भी किसान हैं जिनके फसल प्रभावित हुए हैं बाढ़ के कारण, फसल नष्ट हो चुके हैं, उन सभी को फसलों का मुआवजा भी मिलना चाहिए। और खासकर जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन सबको निर्देश दीजिए कि वो बाढ़ पीड़ित के घर तक जाके मदद करें। आज अपने जिले का भी कम से कम ख्याल करें। नालंदा जिला की स्थिति ये है कि पश्चिम में लोकायनपुरम में पंचाने और जीराइन नदी उफान पर है, कई जगह बांध कटने के कारण बहुत सारे पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, और उन सभी को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि गृह जिला होने के नाते उन सभी को, लोगों को राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुँचाया जाए, और रेस्क्यू करके जितने गांव फंसे हुए हैं उन सबको राहत शिविर लगा के, राहत कैंप लगा के उन सभी में शिफ्ट किया जाए।